ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे जहां इसराइल की साजिश की बात सामने आ रही है, वहीं कुछ अन्य देश इसके पीछे अमेरिका का हाथ मान रहे हैं। हाल ही में रूस ने रईसी की मौत पर कहा है कि वो इसकी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब रूस के सहयोगी बेलारूस ने रईसी की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान अपने अमेरिकी निर्मित हेलीकॉप्टरों की सर्विस नहीं करा पाया, जिसके चलते ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई। लुकाशेंको ने शुक्रवार को मिन्स्क में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं एक राष्ट्रपति नहीं, एक व्यक्ति के रूप में कहूंगा कि अमेरिका की विभत्स और घृणित स्थिति के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि इन बदमाशों को, लोगों को ले जाने वाले जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी कंपनियों को रईसी के हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया, इसलिए ये उनकी गलती है। परमाणु अभ्यास और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए मिंस्क का दौरा कर रहे पुतिन ने कहा कि रईसी के काफिले में जो दो अन्य हेलीकॉप्टर थे वे रूसी निर्मित थे। उन्होंने कहा कि रूस निर्मित हेलीकॉप्टर्स ने उन्हीं परिस्थितियों में उसी रूट से बिना किसी दिक्कत के उड़ान भरी। आपको बता दें कि ईरान को अभी तक रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ईरानी सेना ने अपनी प्रारंभिक जांच में कहा है कि हेलीकॉप्टर अपने फ्लाइट पाथ से विचलित नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति का विमान एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के चेसिस या अन्य पुर्जों पर कहीं कोई गोली या छर्रे का निशान नहीं पाया गया। इसने उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया होगा। लुकाशेंको ने रईसी को एक सामान्य, दयालु बताया और कहा कि वो बातचीत में स्पष्ट और ईमानदार थे और अपने राज्य के विकास और अपने लोगों के हितों की रक्षा के बारे में चिंतित थे। इस बीच उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान दुर्घटना की हकीकत का पता लगाएगा। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उस आपत्तिजनक बयान की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी लोग रईसी के बिना शायद बेहतर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मना रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पुरानी लड़ाई है और उसी का नतीजा है कि अमेरिका ने रईसी की मौत पर शोक जताने की जगह साफ कहा कि उसे रईसी की मौत का कोई दुख नहीं है।